विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव धमतरी के गंगरेल बांध के किनारे आयोजित जल जगार महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। महोत्सव में लोगों को जल संरक्षण और जल संचय के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जल की एक एक बूंद को बचाने की चिंता करने के लिए इस जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। पर्यावरण के प्रति यदि हम अभी सचेत नहीं हुए तो भू जल भी प्रदूषित हो जाएगा। जल जगार उत्सव का आयोजन किया और इसकी लोकप्रियता ही दिख रही है। हजारों हजार लोग इसमें भागीदार कर रहे हैं। छात्र यहाँ आके अपनी अपनी बात विवेक के माध्यम से विधानसभा के फोरम बनाकर अपनी बात कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल संचय और जल संरक्षण पूरे दुनिया में आसन्न जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। इसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने माता अंगार मोती की पवित्र धरती पर सफल आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई। इट इज मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक फॉर द वर्ल्ड टू सेव द वाटर to prepare for conservation of water. ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन होर्डिंग्स पे, thousands have lived without love, हजारों बिना प्यार के जी सकते हैं पर पानी के बिना एक भी जी नहीं। इस मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में चार देशों के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविदों, जल संरक्षकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों ने अपनी बातें रखी। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में देश विदेश के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि, 69 जल विशेषज्ञ और वक्तागण सहित पद्मश्री से सम्मानित 3 पर्यावरणविद भी शामिल हुए। जल संरक्षण